बिलासपुर जिले के थाना की संयुक्त टीम ने myclickdeal.com कंपनी एवं रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट कंपनी के फरार आरोपियों को उनके बैंक डिटेल दस्तावेज के आधार पर बड़ी मशक्कत के बाद दोनों कंपनी के 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर आरिफ नियाजी पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई। आरोपियों ने घायल की मदद करने वालों पर भी हमला किया। करिश्मा अपार्टमेंट के सामने स्थानीय लोगों ने आरोपी युवराज सिंह मुआ निवासी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। रायगढ़ के महापल्ली SBI बैंक के सामने एक अज्ञात टेलर वाहन त्रिगति से एक बाइक सवार को कुचलते हुए भाग निकला। इस घटना में बाइक सवार युवक उमेश प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार की दोपहर सुपेला के कैनरा बैंक से हर्षित मिश्रा ने 3,36,000 रुपए निकालकर अपनी कार को पुष्पक नगर में खड़ा कर किसी काम से बाहर गया। तभी किसी व्यक्ति ने आकर उन्हें बताया कि उनकी कार का दरवाजा व कांच टूटा हुआ है। जब हर्षित ने मौके पर पहुंचकर कार को देखा तो कार से पैसे गायब थे। बिलासपुर में 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के शहर प्रवास के दौरान तालापारा के समता कॉलोनी में हुए निर्मम हत्याकांड में आज 9वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अलग अलग स्थानों में अब तक कुल 9 नाबालिगों समेत 10 लोगों को पकड़ा गया है। सभी के विरुद्ध अपराध घटित करना पाए जाने से सभी को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेजा गया। जसपुर जिले में कुनकुली थाना क्षेत्र के ग्राम ठेठ टांगर में गणेश यादव को रास्ते में पुराना सोना देने का लालच देकर 2,10,000 रुपए की ठगी करने वाले 4 आरोपियों में से एक को कुनकुरी पुलिस ने जोरोंडा झरिया से गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अंतर्गत 2 मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी ने शादी समारोह में आए लोगों की बाइक को चोरी किया था। ट्रक मालिक का 90,000 रुपए लेकर 1 साल से फरार आरोपी ट्रक ड्राइवर को बिलासपुर जिले की सकरी पुलिस ने पत्थरसाजी कर गिरफ्तार किया है। आरोपी ड्राइवर जीतू बांदे ब्लैक डायमंड कंपनी का 18 चक्कर टेलर सोल्ड वाहन को बिलासपुर से कोटपुतली राजस्थान गंगोत्री कंपनी पहुँचाने हेतु रवाना हुआ था। जगदलपुर में बुधवार को लगभग 40 साल के एक व्यक्ति का शव मिला है। शहर के पुराने नर्सिंग हॉस्टल में झाड़ियों के पास शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि लाश लगभग 3 से 4 दिन पुरानी है। मृत व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो सकी है। उधार में ली गई 20,000 रुपए की वापसी को लेकर गाली गलौज और विवाद से क्षुब्ध युवक ने उधार देने वाले के घर के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। इससे युवक की मौत हो गई। मामले में बलरामपुर जिले की डबरा पुलिस ने उधार देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ में रहने वाले शख्स की बाइक उस समय चोरी हो गई जब वह रिपेयरिंग करने के लिए जसपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के एक घर में गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर जिले की ढबरा पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसने लड़की से चाकू दिखाकर छेड़छाड़ की थी। वहीं जब लड़की ने इस बात का विरोध किया तब उसने उसे थप्पड़ भी मारा था। सेक्टर 6 जुबली पार्क के पास हुई चाकूबाजी की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त किया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 3 में हुए हादसे में मृत ठेका श्रमिक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बुधवार को सेक्टर 9 अस्पताल के सौघर के बाहर बवाल मचा। प्रबंधन की ओर से आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपा गया, परंतु इससे समय अवधि का उल्लेख न होने से परिवारजन भड़क गए।
कांकेर जिले में रेत ठेकेदार के गुर्गों ने शिकायत करने वाले और मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों को तहसीलदार की मौजूदगी में खुलेआम धमकाना शुरू कर दिया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्षों में झूमा झटकी भी होने लगी। माहौल बिगड़ता देख तहसीलदार लौट गए। रायपुर में राजेंद्र नगर के बूढ़ी माता मंदिर के पास माँ बाप के साथ सो रहे 3 साल के बालक का अपहरण कर लिया गया। घटना के समय बालक के माता पिता गहरी नींद में थे, इस वजह से उन्हें पता नहीं चल पाया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। हाई कोर्ट बिलासपुर ने राजनांदगांव पीटीएस में पदस्थ पुलिस ऑफिसर को जुड़वा बच्चों की माँ को सौंपने के निर्देश दिए हैं। पत्नी से विवाद के बाद पुलिस अफसर ने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था, जिसके बाद मां ने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जनपद पंचायत सूरजपुर के 2 कर्मचारी शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर सीपी जायसवाल एवं ब्रिजलाल सिंह सहायक ग्रेड 2 को सूरजपुर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महानगरों की तर्ज पर अब रायपुर के रेलवे स्टेशन में कोच में रेस्तरा खोलने की तैयारी रेल मंडल ने पूरी कर ली है। इसके लिए टेंडर की कवायद चल रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अप्रैल महीने से कोच में रेस्तरा खोल दिया जाएगा। बिलासपुर में रेलवे के 2 ठेका कर्मचारियों को नियमित नौकरी लगाने के नाम पर 8 लाख रुपए की ठगी करने वाले रेलवे के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर आशीष पात्रों के खिलाफ तोरवा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। रेलवे कर्मी रकम वसूली कर दोनों युवकों को 2 साल से घुमा रहा था। बिलासपुर में महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने शादीशुदा महिला से पहले दोस्ती की, फिर प्यार और शादी का वादा कर दुष्कर्म किया, बाद में वह शादी करने से मना कर दिया। खुर्सीपार पुलिस ने एक इस्पात कंपनी के मालिक की शिकायत पर अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने आयरन और स्टील सामग्री की खरीदी के लिए एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का एडवांस दिया था, लेकिन आरोपी ने ना तो सामान की सप्लाई की और ना ही रुपए वापस कर रहा है। जामुल नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर के घर के बाहर खड़ी कार और मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। बीती रात लगभग 1 बजे असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी, जिससे उनकी कार और मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। कोरबा जिले के कुशमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत हेलीपैड और छठ घाट के ठीक पीछे काली मंदिर प्रांगण में लगे पेड़ में चुनरी बांधकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक का नाम संतलाल देवांगन आदर्श नगर निवासी है, जो कुशमुंडा परियोजना में डंपर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था।